डेरा मुखी का जो नाम जोड़ा है वह कढ़िया गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के नाम से जिहड़ियां बेअदबी दे जिहड़ी होई आ उहदे नाम ते सियासत जिहड़ी आ सब तो माड़ी आ। अज श्री अकाल तख्त साहब जी की सरप्रस्ती हेठ तख्त श्री दमदमा साहब जी के पावन पवित्र अस्थान के उत्ते सिख जथेबंदियों की एकत्रता सदी गई सी, जिदे विच कोई 70 के करीब सिख जथेबंदियां जथेबंदियों के नुमाइंदियां ने जिहड़ा है वह शमूलीयत की है। तो इन जथेबंदियों की एकत्रता दे विच जिहड़े करंट साडे इशूज़ ने मसले ने उन्हां दे उत्ते भी चर्चा हुई है। इस तों अलावा सिख विद्या के खेत्र दे विच किस तरह तरक्की करे, सिख इकोनमी के खेत्र दे विच किस तरह तरक्की करे, और सिख जिहड़ा है साडा सोशल जिहड़ा साडा वर्किंग का खेत्र है उहदे विच बहुत सारिया सेवावां निभा रहा है, इस दे नाल नाल सिख का आत्मक बल जिहड़ा है वह किवें उपर उठे, इहदे उत्ते भरपूर चर्चा जिहड़ी है वह साडे सिख जथेबंदियों के नुमाइंदियां ने अज इस स्थान के उत्ते आ के कीती है। और बहुत ही सत्कारत हस्तियां जिहड़ियां विद्वान जिहड़े है वह भी अज जथेबंदियों की एकत्रता दे विच शामिल होए सन, जिन्हां ने अपने जिहड़े है बहुत ही खूबसूरत विचार जथेबंदियों के नुमाइंदियां नाल सांझे कीते है। और ये जिहड़ियां मीटिंगां का सिलसिला है इसे तरह ही जिहड़ा है वह जारी रहेगा। और हुण असीं कोशिश करांगे कि एक एक जथेबंदी ना एक एक दिन जिहड़ा एक एक घंटा जिहड़ी है वह मुलाकात करके जां अद्धा घंटा मुलाकात करके ते असीं जिहड़े पंथक इशूज़ ने इन्हां दे उत्ते असीं गलबात करिए, ते फिर नाल ही सुझा लईए कि ये जिहड़े साडे पंथक मसले ने साडे चाहे करंट इशू ने चाहे साडे जिहड़े ने कोई सिद्धांतक बखरेवियां दे इशू ने इन्हां नूं असीं किवें हल कर सकते हैं, ये असीं इन्हां साडियां धार्मिक सिख जथेबंदियों तों सुझावां दे रूप दे विच असीं बचन बलास सुनीए प्राप्त करिए लिखती रूप दे विच, ते फिर उन्हां दे हल लई यतनशील होइए। अज दी जिहड़ी भारी एकत्रता हुई है इहदे लई मैं समूह सिख जथेबंदियों के नुमाइंदियों नूं बहुत बहुत बधाई दिंदा और जी होयां भी कहना, इस तरह इन्हां मीटिंगां का सिलसिला जिहड़ा है वह जारी रहे। डेरा मुखी की भी चर्चा की, डेरा मुखी का नाम कढ़िया गया। बिल्कुल, अज दीआं जथेबंदियों ने भी महसूस किया हैगा कि जिहड़ा इहदा डेरा मुखी का जिहड़ा नाम जिहड़ा है वह कढ़िया गया। सानू कित्थों पता लग गया, अजीत दे विच एक बहुत वड्डी जिहड़ी है रिपोर्ट प्रकाशित होई है और टीवी दे उत्ते इन्हां दे एक ऑफिसर ने भी आके बयान दिता है, ते इस सारे कासे तो सानू इस गल की जानकारी मिली कि नाम जिहड़ा है इहदा जिहड़ा चलान पेश वक्त करदे वक्त FRI नंबर 128 दे चलान पेश वक्त करदे वक्त जिहड़ा नाम कढ़िया गया। तो यह सारी गलबात जिहड़ी है ये सिखां नू खास तौर दे उत्ते दुनिया भर दे सिखां नू सिख नू स्पष्ट करनी चाहिए। देखो फिर जिहड़े अधिकारी ने टीवी दे आके बयान दिता हैगा, फिर अजीत दे विच अज भी खबर छपी हैगी है, अजीत एक जिम्मेवार अखबार है, उस जिम्मेवार अखबार दे विच चंडीगढ़ तो अज भी जिहड़ी है इस संबंधी जिहड़ी है खबर छपी है, उहदे विच स्पष्ट उल्लेख है कि ये जिहड़ा नाम जिहड़ा है वह कढ़न का यतन किया गया, कढ़िया जत नाम वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिखां दी सरमौर संस्था सर्वोच्च संस्था श्री अकाल तख्त साहिब, जदों कि सिखां दे किसी तरह की कोई उंगल उठती है, कोई हल्ला आउंदा, किसी तरह की मुसीबत बनती है, कोई विवाद खड़ा होंदा, श्री अकाल तख्त साहब अपने फर्ज निभाउंदिया होया उस समय अपनी गल करदा है। जो पिछले दिनों आपां देखिया कि बहुत लंबा समा हो गया ये कांग्रेस की सरकार बने नूं जिहड़ी इस गल ते आई सी गुटका साहब की सहुं खा के कि असीं बेअदबी दे मामले नूं लै के असीं न्याय दवावांगे, असीं दोषियों नूं फड़ के अंदर करांगे, उस संबंधी पिछले दिनी जिहड़ी कांग्रेस सरकार वल्लों जिहड़ी सिट बनाई सी उस सिट ने चलान पेश किया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी बेअदबी वाले केस दे विच। उस चलान दे विच जदों कि पहला राम रहीम दा नाम सौदे साहब दा नाम उहदे विच पाया जांदा दो नंबर खाने च, ते चलान पेश करन तो बाद 200 समें दा चलान है उहदे चों नाम बाहर कर दिता जांदा। तो इस गल लई बड़े जिहड़े नामवर अखबार ते होर चैनलां ने इस गल नूं जदों चुक्किया ते अकाल तख्त साहिब दे जथेदार साहब ने इस गल बारे फिक्रमंदी जाहिर कीती ते सिख आवाम नूं इस गल लई सुचेत कीता। तो उन्हां दे इह कहिण तों बाद बहुत लोग इस गल लई भड़के भी कि जथेदार साहब दे कोले जानकारी अधूरी है,
पर उन्हां दी मजबूरी बनी उन्हां नूं उन्हां दे परमार ने जिहड़ा आई जी है सिट दा जिहड़ा इंचार्ज है उन्हूं कहना पै गया कि हाले ये जिहड़ी आ सिट जिहड़ी है ये इहदा जिहड़ा फैसला आखिरी नहीं हैगा। पर असीं इह गल दसणी चाहुंदे आ कि श्री अकाल तख्त साहब दे जथेदार साहब वल्लों कोई भी बगैर जानकारी तो बगैर कदे उह गल नहीं कीती जांदी ते असीं इह गल नूं चेतावनी देनी चाहुंदे आ। अज इस तख्त ते तख्त श्री दमदमा साहब विखे जथेबंदियां ने किरत सिंह साहब के नाल एक बैठक की है विचार की है पंथ दीआं बड़ियां नामवर जथेबंदियां आईआं जिन्हां ने इस गल लई वड्डे पद्धर ते सिंह साहब के अगवाई विच इस गल का फैसला लिया कि जिहड़े लोग इस तरह के लुको मटो ढंग नाल सिखां ते हमला करनगे ते सिखां ते जिहड़े कहिंदे हुंदे आ दोषी ने राम रहीम वर्गे जिहड़े कि जिन्हां ने गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी कराई उहदे साथियां ने उहनां नूं जिहड़े बचाउणगे उहनां नूं किसे भी हालत दे विच बख्शिया नहीं जाएगा। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੈਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲਾਲਸਾ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸੋ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।